YouTube के लिए एक प्रोफेशनल वीडियो थंबनेल बनाने के लिए क्रिएट करने के लिए आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। इसका नाम पिक्सेल लैब है। इसको आप बहुत इजीली प्ले स्टोर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं थंबनेल कुछ इस तरीके का बहुत ईजिली बहुत ही सिंपल एडिटिंग के साथ आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एक वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो इस वीडियो को, तो आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके की थंबनेल को बनाने के लिए। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का यूजर इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले आपको थंबनेल के लिए एक साइज सेलेक्ट करना होगा। तो इसके लिए आपको टॉप राइट में 3 डॉट का एक निशान दिखेगा, इस पे क्लिक करना है। इमेज साइज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करना है और यहां से आपको चूज कर लेना है यूट्यूब थंबनेल, फिर आपको ओके कर लेना है। आप जो थंबनेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है थंबनेल का बैकग्राउंड, कि आप थंबनेल में कैसा कलर यूज कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा टॉप पे कलर का, जस्ट आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखता है, एक कलर का दिखता है, एक ग्रेडियंट का दिखता है। आप कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में एक सिंगल कलर को यूज कर सकते हो, जो भी सिंगल कलर आपको यूज करना है। लेकिन वहीं अगर आप अपने बैकग्राउंड में एक साथ दो कलर का यूज करोगे तो आपको सिंपली ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप दो कलर को एक साथ सेलेक्ट कर यूज कर सकते हो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आप दोनों साइड लेफ्ट राइट अलग अलग कलर का यूज कर सकते हो। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं एक सिंगल कलर को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी कलर आपको करना है कुछ इस तरीके से अपने फिंगर से मैनेज कर सकते हो। तो मैं जो अभी थंबनेल क्रिएट करने वाला हूँ तो मैं इसके साइड में कुछ इस तरीके का मैं कलर को यूज करने वाला हूँ। तो मैं इस वाले साइड के कलर को थोड़ा डार्क कर लेता हूँ और फिर मैं यहाँ से डन करता हूँ। और लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, आपको एक बार इस पे क्लिक कर लेना है, फिर से आपको कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके कलर को फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके लेफ्ट साइड में मैं थोड़ा हल्का कलर का यूज करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैं कलर को सिलेक्ट करता हूँ और डन कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग आप जैसा रखना चाहते हो वैसा रख सकते हो, जो भी कलर आपको यूज करना है। बस मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, बनाकर दिखा रहा हूँ, अपने हिसाब से चेंजेस करके बना सकते हो और भी ज्यादा अच्छा, मुझसे भी अच्छा बना सकते हो। अब जो आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, आपको एक बार इस पे क्लिक करना है क्योंकि अभी इसका यूज नहीं है। फिर आपको टॉप लेफ्ट में डिलीट का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करने के बाद आपको इसको डिलीट कर लेना है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कैंची जैसा PNG चलता है जिसपे अपना फोटो वगैरह लगा होता है, कुछ इस तरीके का आपको PNG कैसे क्रिएट करना है। PNG क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है ड्रो का, जस्ट आपको ड्रो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कलर को व्हाइट सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, पेन साइज को 15 ही रहने देना है, स्मूथनेस को आपको 24 ही रहने देना है, उसको आपको टच नहीं करना है। फुल इनसाइट का एक ऑप्शन है, इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने फिंगर से इस तरीके से स्केच करना है और यहाँ पे आपका ये PNG बन जाएगा। फिर आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेना है और अब आपको इसको सेव कर लेना है अपने गैलरी के अंदर। तो ये आपके गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, इसका आप यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब मैं फिर से कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो भी कलर मैंने पहले दिया था मैं उसको फटाफट सेलेक्ट करता हूँ। सिंपली मैं फिर से ग्रेडियंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस वाले कलर को सिलेक्ट कर लिया हूँ, जो बैकग्राउंड में पहले मैंने कलर सेलेक्ट किया था। अब वहाँ से मैंने जो PNG क्रिएट किया है बनाया है उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो आपको सिंपली टॉप मिडिल में प्लस का एक आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। अभी जो मैंने सेव किया था ये बन के रेडी हो चुका है, मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, डन करता हूँ और आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है आपको कुछ इस तरीके से आपको जूम कर लेना है। जहाँ पे आपको एडजस्ट करना है उसको, जिस साइड में करना है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, वैसे कर सकते हो। इसको आप रोटेट कर सकते हो जितना आपको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा शैडो का, शैडो को आपको इनेबल कर लेना है। शैडो पे क्लिक करता हूँ, इनेबल पहले से, मैं इनेबल इसको रहने देता हूँ, फिर मैं डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक और शेप यहाँ पे आपको ऐड करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो शेप का एक ऑप्शन आता है, अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो आपको सिंपली ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप फिर से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो शेप का ऑप्शन दिख जाएगा। कई लोगों को इसमें भी परेशानी होती है, तो मैं शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने फिंगर से इसको एडजस्ट करना है, अपने अकॉर्डिंग आप इसको ये कर लो। इसमें कुछ कीवर्ड हमें ऐड करना है तो इसको ज़्यादा, इसके विथ को हमें बड़ा भी नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया हूँ, डन करता हूँ। अब एक बार आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे इस वाले को उठा के आपको सिंपली इसके ऊपर रख देना है, तो ये उसके नीचे चला जाएगा। इसमें भी आपको शैडो अप्लाई कर देना है। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आता हूँ, एक शैडो का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करता हूँ, इनेबल कर देता हूँ। तो इसमें भी शैडो अप्लाई हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने इसको सेलेक्ट किया था, ये देखो ये अपनी जगह से हिल रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको लॉक कर लेना है। आप जिसको एडिट करना है, जिसको एडिट नहीं करना है उसको आपको लॉक कर लेना है, तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, आपको दिक्कत नहीं होगा एडिट करने में। तो ये लॉक हो चुका है। अब मुझे इसको एडिट करना है, तो मैं एक बार इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा रोटेट का, आपको रोटेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और कुछ इस तरीके से मैं इसको कर लेता हूँ -10 कर लेता हूँ। -10 कुछ ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से करता हूँ, इसको -3 या -2 रहने देता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से नीचे मैं एडजस्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसको डन कर देता हूँ। अब मैं थंबनेल में अपना फोटो ऐड करने वाला हूँ। तो फोटो ऐड करने के लिए आपको सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर से फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है
और यहाँ पे आपको अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मेरा फोटो है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं इसको डन कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना है, जैसे मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। ये एडजस्ट हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। इसमें भी आपको शैडो अप्लाई करना है, जितने अच्छे से आप जितना टाइम लगाओगे उतना अच्छा बन जाएगा। शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इनेबल करता हूँ। बहुत कम टूल्स का यूज़ होकर आप अच्छा बैनर क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ कीवर्ड लिखता हूँ। कीवर्ड लिखने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, डन करता हूँ। डन करने के बाद यूट्यूब को आपको यहाँ पर लेकर आ जाना है फिंगर से, अपने हिसाब से इसको जैसा चाहो एडजस्ट कर सकते हो। इसको भी मैं क्या करता हूँ, -2 डिग्री इसको रूटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे -2 डिग्री रूटेट हो चुका है, मैं इसको डन कर लेता हूँ। इसके अगर आपको फॉन्ट वगैरह को चेंज करना है तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फॉन्ट का, फॉन्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। बहुत सा फॉन्ट आपको दिख जाएगा, जो भी फॉन्ट आप यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। इसका मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे एक स्टाइल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं इस वाले फॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। इसमें भी सेम अगर आपको शैडो वगैरह अप्लाई करना है तो शैडो पे क्लिक करना है, इनेबल कर लेना है तो शैडो अप्लाई हो जाएगा। इसमें आपको एक ऑप्शन दिख जाता है स्टॉक का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनेबल करना है। तो इसके साइड साइड में अगर कोई कलर आप लाना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से ला सकते हो। मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसको डन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिख देता हूँ कुछ हिंदी में मुझे कीवर्ड लिखना है, तो मैं फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, एडिट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल से। तो हिंदी में कीवर्ड चेंज करने के लिए आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं लिख देता हूँ मोबाइल। कुछ इस तरीके से इस पे आप प्रेस करोगे तो आपका हिंदी में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देता हूँ मोबाइल, तो यहाँ पे मैंने लिखा है मोबाइल से और यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद आपको फिर कुछ इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। कलर भी इसका भी वाइट है और बैकग्राउंड का भी वाइट हो चुका है, तो मैं इसके कलर को पहले चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कलर का, कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आ जाता हूँ ग्रेडियंट पे और मैं यही कलर का यूज़ करने वाला हूँ और मैं इसको डन कर लेता हूँ, जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है। इसके टेक्स्ट को चेंज करने के लिए फिर से आपको यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, जो भी आपको करना है। मैं यही टेक्स्ट का यूज़ करने वाला हूँ, मैं इस पर क्लिक करके ले लेता हूँ। आपको करना हो तो यहाँ पर बहुत सा मिल जाएगा फॉन्ट, आप चेंज कर सकते हो। इसको भी मैं क्या करता हूँ, -2 डिग्री रूटेट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे रूटेट पे क्लिक करता हूँ और फटाफट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे -2 डिग्री ये हो चुका है इसका एंगल, अब यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए, तो मैं थंबनेल नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ। इसमें बहुत सारी एडिटिंग बाकी है, वीडियो को एंड तक देखना आप। तो यहाँ पे थंबनेल को मैं कैपिटल वर्ड में लिखने वाला हूँ, तो मैं थंबनेल लिखता हूँ और यहाँ से मैं इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से इसको जूम करना है आपको और इसके कलर को भी आपको चेंज कर लेना है। यहाँ पे कलर का कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से अगर आ गया करने तो आप बहुत ही अच्छा क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं इसको रेड कलर कर देता हूँ, डन करता हूँ। इसके भी फॉन्ट को मैं चेंज करके ये वाला फॉन्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इसको भी आपको -2 डिग्री रूटेट कर लेना है। तो आ जाना है आपको रूटेड वाले ऑप्शन पे। बहुत ईजी है बनाना, बहुत ही सिंपल, अगर आप सही तरीके से इसको बनाना सीख जाओ तो। यहाँ पे -2 डिग्री हो चुका है इसका एंगल, मैं डन करता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं जूम करके कुछ इस तरीके से जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं एडजस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे YouTube मोबाइल से थंबनेल, यहाँ पे YouTube को मैं कुछ यहाँ पे ला लूँगा, अभी मैं कुछ करता हूँ। अब यहाँ पे मोबाइल से थंबनेल, अब मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट वर्ड कैसे बनाए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कैसे बनाए। कैसे बनाए के बाद यहाँ पे मैं डन कर लेता हूँ इसको। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे ला के एडजस्ट करना है। इसके फॉन्ट को अगर आप चेंज करना हो तो चाहो तो इसके भी फॉन्ट को चेंज कर यहाँ से कर सकते हो। कलर को चेंज करना चाहो कलर को कर सकते हो। मैं सिंपली कलर को ही अभी चेंज कर रहा हूँ। यहाँ से मैं इसके कलर को वाइट कलर कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर को सिलेक्ट कर वाइट कर लिया हूँ। तो यहाँ पे -2 डिग्री पहले से इसका एंगल घुमा हुआ है, तो अब यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बन गया। इसमें अगर आपको लोगो वगैरह ऐड करना चाहो तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे यूट्यूब का लोगो लगा देता हूँ तो थोड़ा और प्रोफेशनल दिखेगा ये। तो मैं यहाँ से यूट्यूब के लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये सब लगाने से थोड़ा और प्रोफेशनल बन जाता है। इसको भी आपको -2 डिग्री या कुछ इस तरीके से रूटेट करना है और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसमें भी एडिटिंग करना है आपको। थोड़ा सा क्या करना है, इसके शैडो को अप्लाई कर देना है। शैडो का ही बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ब्लर रेडियस को मैं 0 कर देता हूँ और यहाँ पे ऑफसेट को मैं 4 पे लाता हूँ। ऑफसेट वाई को मैं थोड़ा सा इसको भी 5 पे कर लेता हूँ, 6 पे कर लेता हूँ। डन कर लिया। तो यहाँ पे 3D जैसा दिख रहा है। इसी को अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा कॉपी का, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं छोटा कर कुछ इस तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। तो बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपका थंबनेल बनके रेडी हो जाएगा। मैं कुछ इस तरीके से एक PNG डाल दूंगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इसको भी आपको पहले -2 डिग्री रोटेट करना है और यहाँ पे लाके इसको एडजस्ट कर देना है कुछ इस तरीके से जूम करके। तो मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ और इसको भी -2 डिग्री आपको रोटेट कर लेना है, क्योंकि मैंने सभी कीवर्ड को रोटेट किया था। इसके कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। कलर को चेंज करने के लिए आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। यहाँ से मैं इसके कलर को येलो कलर कर लेता हूँ। येलो कलर करने के बाद मैं डन कर लेता हूँ। अगर आपने कैसे बनाए वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, इसके लिए आपको पहले इसको लॉक करना होगा। कैसे बनाए वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसके कलर को भी थोड़ा सा चेंज नहीं करता हूँ, इसमें शैडो मैं अप्लाई कर देता हूँ। शैडो वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे ब्लैक कलर का शैडो आ चुका है।
अब यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, अगर इसकी जगह आप कुछ और भी लगाना चाहो तो लगा सकते हो अपने हिसाब से स्क्रेच वगैरह करके। तो मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ, कुछ और ला के आपको दिखाता हूँ। तो मैं कट करता हूँ, मैं फिर से फ्रॉम गैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, कुछ इस तरीके का मैं बना कर रखा हूँ। तो ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो -2 डिग्री इसको रोटेट करना होगा हमें, इसको थोड़ा सा जूम कर लेना है इसके अकॉर्डिंग, और अब आपको इसको टू बैक कर लेना है। बैक करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा टू बैक का, ये ऑप्शन है टू बैक का, टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये टू बैक चला गया। अब यहाँ पे इसमें भी आपको शैडो अप्लाई करना है, शैडो अप्लाई करने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है, शैडो पे क्लिक करना है, इनेबल करना है, तो शैडो अप्लाई हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपका जो YouTube थंबनेल है बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो, कुछ और भी दिमाग लगा सकते हो, ये जो मैंने यूज़ किया है इसकी जगह कुछ और भी कर सकते हो, बैकग्राउंड चेंजेस कर सकते हो। ये मैंने आपको सबको एक आइडिया बताया है, कुछ ऐसा बना सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसको सेव करने के लिए सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे JPG फॉर्म है, PNG फॉर्मेट को चूज़ करना है और सेव टू गैली वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो ये आपके गैली के अंदर सेव हो जाएगा। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।